मसीह में सबको सलाम सलाम। पाकिस्तान में हम आपका मेज़बान साजो गौरी, आप देखिए प्रोग्राम कड़वा सच साजो गौरी के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बड़ी अच्छे टॉपिक के ऊपर जो कि हमारी मसीही कौम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि यहाँ से पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से किसी ने भी अगर कैनेडा जाना है तो उसके लिए लीगल तरीके से क्या तरीक़ाकार है फाइल तैयार करवाना, उसके हवाले से हमारे साथ कैनेडा से हमारी बहुत ही प्यारी बहन है जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया कि आपका जो नेशनल न्यूज़नामा जो चैनल है ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने कैनेडा के अंदर एक कोहिनूर के नाम से इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसी का एक ऑफिस बनाया है जिसकी मैं हेड हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके चैनल से पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग बैठे हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तानी, वो कैनेडा में किस तरीके से कैनेडा के अंदर आ सकते हैं और बिल्कुल ही शफाफ तरीके से जो एक कागजात का बनवाना और उसके ऊपर कागजात की छानबीन, फिर उसके बाद वीज़ा लगवाना और कौन कौन सी कैटेगरीज में वीज़े लगते हैं। तो हमारे साथ वो सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तो हम उनको वेलकम करेंगे। हेलो साजिद पाजी, यस आई एम डूइंग गुड, तुसी किना ठीक है? हाँ मैं भी ठीक हाँ। नाज़रीन, आज मैं पंजाबी च जरा प्रोग्राम करांगा क्योंकि साढ़े नाल जिहड़ी साडी भैन है ये कैनेडा की नैशनैलिटी होल्डर है और इन्हों इंग्लिश ते पंजाबी आती है, और मैं जो इन्हों गल की तो जिस एक्सेंट इन्होंने पंजाबी बोली मैंने बड़ा खूबसूरत लगा कि कैनेडा के अंदर साढ़े मसीही लोग जड़े ने पंजाबी बड़ी खूबसूरत तरीके बोलते हैं। तो सिस्टर, पहले तो मैं तुहानू जी आयां नूं कहना वा कि तुसी कैनेडा दे विच रह के सारे नाल राबता कीता। थैंक यू पाजी, मैं भी बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहती हाँ, एंड ऑलसो नैशनल न्यूज़ नामा की बहुत शुक्रिया अदा हैगी है कि तुसी मैनूं अज ऑपरचुनिटी दित्ती है, एंड सारे नूं मेरा बहुत बहुत सलाम आ जी। सिस्टर, तुसी ते पहले आपां नाम दसो ते अपनी कंपनी का नाम दसो कि जिहड़ा तुसी कैनेडा दे विच बह के ऐ मसीह कौम वास्ते कम कर रहे हो। हाँ जी पाजी, मेरा कोहिनूर इमिग्रेशन कॉर्पोरेशन एक कैनेडा दे विच असी रजिस्टर कीता होया, एंड साडा फुल लाइसेंस आ इमिग्रेशन काम दा करन दा। ठीक है, ते सिस्टर दा नाम की है? हाँ जी, डोरिन मैसी। डोरिन मसी? हाँ जी। ठीक है, अच्छा सबसे पहले सानू यह दसो कि कैनेडा के अंदर जाने वास्ते सानू केड़ी केड़ी कैटेगरीज के जिहड़े वीजे ने जिहड़े बड़े आसानी दे नाल साड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी नूं मिल सकते ने। हाँ जी, मेन तो फोर कैटेगरीज आ जस्ट सी डिस्कस करूंगा। एक तो कैटेगरी हैगा विजिटर वीजा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी स्टडी परमिट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी जे तो कहंदे पीआर, ठीक है। फिर एक और बीएससी नर्सेस का एक एवेन्यू हैगा, ठीक है। अच्छा, सब तो पहले तो ही स्टडी वीजे वाल चलांगे कि सारी मसीह कौम के जिहड़े बच्चे ने जिहड़े पैसा खर्च के कैनेडा जाना चाह रहे ने ईजी तरीके नाल, उन्हां वास्ते की जिहड़ियां मुश्किलात आंदियां ने कागज बनवाण वास्ते वो किस तरह ईजी हो सकदियां ने, पहले तो स्टडी जिहड़े वीजे ने उन्हां वास्ते दसो। हाँ जी, सो स्टडी परमिट का प्रीटी सिंपल प्रोसेस हैगा। स्टडी परमिट का ए है, एक तक सिनेरियो हैगा दा जे तो बच्चे ने प्लस टू कीती हुई है वो डायरेक्टली कैनेडा स्कूल ले अप्लाई कर सकते। दूसरा सिनेरियो ए है दा जे तो तुसी कॉलेज दे विच यूनिवर्सिटी दे डिग्री जा सर्टिफिकेट ले हुई वो तो बाद भी तुसी अप्लाई कर सकते स्कूल ले। हुण असी हेल्प करदे बच्चे नूं फोर्स प्रोग्राम दे विच जिहड़ा कैनेडियन स्कूल दे विच सीट लैण नूं, राइट। उन्हां दी एक वारी जो असीं एडमिशन करा दिंदे ओ तो बाद वीजे लई तुसीं अप्लाई करना, राइट, इह सैकंड स्टैप हुंदा, ठीक है। एंड असीं पूरा प्रोसेस दे विच सारे स्टूडेंट्स नूं और उन्हां दी फैमिली नूं सारा असिस्ट करदे, असीं चंगे तरीके दे नाल उन्हां नूं समझाउंदे वी सारीआं गल्लां, राइट। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जिहड़े हुण इंडिया पाकिस्तान विच उन्हां नूं नॉलेज है नहीं, एंड इह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ साडे लोकां दे विच, एंड कई वारी ओह एजेंट दे गल्लां दे विच आ के ओह अपनी फाइल भी खराब कर लैंदे, ऑलसो फ्रॉड दे विच वी बहुत पै जांदे, राइट, एंड पैसे भी कई वारी उन्हां दे चल जांदे आ। So, study permit ta eh do tarike hai, and another just basic documents lagde hai. Oh, jadon koi contact karunga, assi kanu unhan nu sariyan gallan samjhaunge, the kinda kinda process hona,
ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ, ਫਲਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਆਵੇ, ਸੀਟਾਂ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਭੇਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੂਗਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਰਸਿਸ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਵਨਿਊਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਰਸਿਸ ਲਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਜਾਂ ਮੇ ਬੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਦੈਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੋ, ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਐਂਡ ਕਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲੂਗੀ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਇੱਕ ਐਵਨਿਊ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੀ ਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਪੀ ਆਰ ਤੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗੂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੈਸੇਸਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਇੱਕ ਹਾਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਛਾਨਬੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋਗੇ ਪਹਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੈਟਾਗੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਵਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਥਰਡ ਕੈਟਾਗੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਦੈਨ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀ ਆਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ ਲਿਸਟ ਸਾਰੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਆਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੂਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲੂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਇਨਫ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਚੌਥੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ?
category A situation na jeta parents the education hagi right one of the points calculate honge and j experience nala right and sara ko shega then at the same time ona duniya the points combined honge and then ona the bacche bhi ona the visa te itthe directly aa sakde theek acha ek issue hai ve कि जिहड़ा उत्थे कैनेडा दे विच कोई रिश्तेदार रहिंदे ने ओह चाहुंदे ने कि असीं पाकिस्तान तो किसी एक मसीह बंदे नूं अपने रिलेटिव नूं बुला लईए उहदे वास्ते जिहड़ी उहनां दी रिक्वायरमेंट है वह किन्नी की हुंदी है तुहाडी कंपनी नूं कि यह रिक्वायरमेंट है कि मैं पाकिस्तान तो एक बंदे नूं बुला सकां अपने रिश्तेदार नूं वह की रिक्वायरमेंट हुंदी है जे तां किसे फैमिली मैंबर ने अपने फैमिली नूं बैक होम तो बुलाउणा फिर तो तुसी विजिटर वीजा ले गो गो फॉर इट बिकॉज विजिटर वीजा छे महीनिया का वीजा तुम मिलता तुसी इतने घूम सकते फिर सकते अपने फैमिली के नाल टाइम स्पेंड कर सकते राइट और तो बाद फिर तुसी डिसाइड कर सकते तुसी की करना चाहते हैं पर ओ विजिटर वीजा ए हुंदा दैट तुहाडे फैमिली नू जिहड़ी हो कैनेडा दे विच बैठी होए उन्होंने तुहानू इनविटेशन लैटर भेजना ठीक है राइट invitation letter jo tuhanu mil gaya fir tusi is visa le apply kar sakde as long as tade funds hai ke bank account de vich and usually as you recommend karde that a job vi hove pakistan de vich right because sanu government nu dikhone pehne ve tade strong ties pakistan de naal hai ge right so eh jo tusi sara establish kar deta fir jaso vi hai ta visa mil gaya sareyan nu theek hai अच्छा ये दूसरी कैटेगरी है वे कि जिस तरह कहते हैं कि डंकी अजकल एक फिल्म भी आई है जी इंडिया दे विच बनी है उन्होंने एक दिखाया कि डंकी के जरिए लोग जरा पंजाब चो निकल के तो उत्थे जाते हैं बड़ी मुश्किल के नाल ते बगैर वीजे तो उन्हें नाल अगर कोई बंदा कैनेडा के अंदर चला जाता वे तो एक गल बड़ी मशहूर है कि कैनेडा वाले फौरी तौर पर वीजा दे देंगे ने एक ही गल सच्ची है एक गल बिल्कुल नहीं सच्ची है लोग ने एक गल बहुत ज्यादा बनाई हुई है एंड खास करके एजेंट्स ने वो गल बनाई हुई उन्होंने इन्ने झूठ बोले हुए हुन पाकिस्तान दे जेरे एजेंट्स एंड इंडिया दे एजेंट्स एंड पीपल ने इन्ने इन्ने पैसे दे के फिर उन्होंने काम भी नहीं बनिया बाद च कोई वीजा भी नहीं मिलिया एक बार वो इतने पहुंचे भी नहीं है आज तक and you know every day party calls on there that assi inne inne paise assi loan vi le hoye rishtedara ko bank to assi inne loan le kad vi inna ne bech le just in the hopes of coming to canada and baki inna da kam koi nahi baniya hun jadon tusi canada ek wari aa jande hai par problem eh hunda ta tanu visa di bahut zarurat hai ki visa to bagair nahi tusi canada aa sakde and av misconception hega that ek wari je ta main visitor utthe chal gaya that ha utho fir main kadi jana hi nahi wapas problem eh ajandi utto baad jadon tusi visitor itthe auna then tanu fir application refugee di apply karne pendi hai je ta tada refugee application nahi go through hunda government then now then tanu deport kar dende hai fir tusi puri life nahi itthe aa sakde and a bo misconception hai ki that bo easy hai je to main ek wari utthe chal gaya fir to main wapas nahi aana and the rules hane and italy government bo is cheez then all strict hai ya so main kadi nahi recommend kardi ve sadi loki is path then all enter kare canada tanu assi pure tarike de naal karunge right advice karunge jehda sab to best hai ga and legal tarike de naal assi illegal kaam nahi karde ya because baad vich fir future de vich tanu bahut zyada problems hunde ya and je to tusi end de vich deport ho gaye then ki fayda hai sare kaam karan de theek hai yani ke jehde agent pakistan de vich india ch baithe ne oh kehnde ne logan nu ke ji aao tanu assi ghat paise de vich bagair visa to यूरोप च भी करा सकते हैं कैनेडा च भी करा सकते हैं यूके USA च भी करा सकते हैं इना मतलब कि वो फ्रॉड करते हैं
हाँ जी, ये तो मैं कहती हाँ जी, दैट रेगुलरली मैनू एवरीडे कॉल्स होंगे, लोग रोंदे भी बहुत है दैट उन्होंने इन्ने लख सब पैसे खर्चे तो कोई नहीं कम होया। बाकी इस कंट्री रिच करके साडे लोग को नॉलेज नहीं है, वो पैसे दे देंगे बाद में की कर सकते, कुछ भी नहीं। चलो एक बार इन्ने पैसे दे देते वो फिर एजेंट फोन भी नहीं चुकते, मिलते भी नहीं है। So best is that asi awareness spread karni that proper tarika kinda immigration da. Ek ta pehlo wa that tanu licensed person labne chahida. E agents ko koi license hai nahi hai. So ina di accountability government nu nahi hai gi koi bhi. Sada license idhar hon Canada da hai ga. Asi accountable hai gi government nu. Asi jo the client nu the file shuru kar de tanu pure tarike de naal pura contract milda. Contract bahut zaruri hai land de, because contract jehda client de protection mein assi banaunde aa de kanu je kanu tanu koi problem hongi e services tanu kende assi karne aa and assi paise tade kol le aa te assi definitely e services tanu karunge, right? Theek hai. Acha jis tarah gall hai ki tade koi documents chale jande ne, theek hai, us to baad tusi dassoge ki ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। हाँ जी, सो जो असैसमेंट होगी उस टाइम ते असी प्राइसेस नहीं डिस्कस करते, असैसमेंट तो बाद असी डिस्कस करते प्राइसेस, बिकॉज कई बार है ना ਲੋਕੀ ਦੇ ਫਾਈਲਸ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਵੋ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਜੰਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਮਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਐਂਡ ਭਾਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਕੋਈ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਖਾਸ ਲਈ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ 10% ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਆਵੇ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਆ ਦੈਟ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਕਾਲਿੰਗ ਆ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, because india pakistan de vich aaj kal jobs vinne mil de, future in a hand of children life, best thing a apne family de apne khas karke bachcha de inna de countries vich niklo, jaldi tarakki karo dusre countries de vich,
एंड एजेंडा को सोच समझ के स्टेप लावो और एजेंडा को बचो एंड एजेंट्स को बचो. यस फाजी ये नंबर वन गल्ला दैट एजेंट्स ना कोई लाइसेंस भी नहीं है के एंड ऑनेस्टली उन्होंने स्कूलिंग भी नहीं की थी है. हुन तुसी एक ला लो जे तो तुसी इंजीनियर दे काम करना इंजीनियर दी स्कूलिंग तो जरूर तुहानू लानी पैनी है करेक्ट. इस तरह ही तो हुन इमीग्रेशन ले इमीग्रेशन ले तुहानू इमीग्रेशन ले स्कूल ते जाने पैंदा है डिग्री तो तुहानू लेने चाहीदी है इस चीज ले गवर्नमेंट दे रूल्स कनेडियन गवर्नमेंट दे रूल्स खास करके इन्हें बिल्कुल नहीं पता होंदा. अजकल कई न्याने आपां कि मैं सच्ची दसदी हां जिहड़े कैनेडा दे विच भी बैठे ओह हुण इस टाइम स्टक आ. एजेंट्स ने तो पिछे काम कर दिता इथे आके उन्होंने पीआर नहीं लग रही है बिकॉज उन्होंने गलत तरीके दे नाल पिछे उन्होंने अप्लाई की प्रोग्राम उन्होंने डिफरेंट तरीके दे नाल अप्लाई किया ठीक तरीके दे नाल उन्हें अप्लाई किया हुण उन्होंने पीआर नहीं हो सकता. सो असी फ्यूचर में तुहानू सब तो बेस्ट तां जिवें सजेस्ट करोंगे सो गानू तां सारी दी गोल आ दा पीआर इथे परमानेंट बनन नू राइट. ठीक है बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत ताडा कि तुसीं सणा राबता कीता कैनेडा तो स्पैशल साढ़े नैशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म तो तुसी आए हो तो तुसी साड़ी मसीह कौम वास्ते एक पैगाम दे देता है तारा बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच पाजी एंड तारे प्लेटफॉर्म दा भी बहुत बहुत शुक्रिया दा तुसी आज अपॉर्चुनिटी मिली है एंड उम्मीद है दा बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों नू ए मैसेज पहुंचूंगी सो दैट असी ज्यादा से ज्यादा नू हेल्प कर सकते हैं इमिग्रेशन दे विच. बहुत शुक्रिया साढ़े नाल सिस्टर एक साड़ी कैनेडा तो साढ़े चैनल नूं देखदी है और सराहदी है. मैं साढ़े नैशनल न्यूज़नामा के जिहड़े प्रोग्राम ने साढ़े पूरी दुनिया च देखे जाते हैं और कैनेडा तो स्पैशली असिस्टर ने सानूं कॉल की थी कि मैं उत्थे एक कोहिनूर इमीग्रेशन जी कंपनी है वो चला रही हाँ बकायदा मैं लाइसेंस होल्डर हाँ तो मैं चाहनी हाँ कि ताडे नैशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म से साढ़े जिन्हें भी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लोग जिहड़े ने पाकिस्तान च लीगल तरीके कैनेडा जाना चाहते हैं जिहड़ी भी कैटेगरी है जिन्हें स्टूडेंट वीज़ा नर्सिस उस तो बाद फैमिली वीज़ा तो दूसरी कैटेगरीज जिन्हें भी ने वो लीगल तरीके कैनेडा च आ सकते हैं और बड़ी आसानी के नाल. और दूसरी गल उन्होंने यह की कि ताड़े नैशनल न्यूज़ का प्लेटफॉर्म से जोड़ा भी कोई साढ़े राबता करेगा असी उन्होंने जे डॉक्यूमेंट्स जोड़े बनते हैं कैनेडा के उन्होंने असी कोई फीस नहीं लवेंगे और बकायदा उन्होंने जोड़ा फ्री करके देवे और उस तो बाद दसागे कि अगर स्टूडेंट वीज़ा है उन्हें वास्ते कि स्कूल कितने जगह आए अगर नर्सिंग का वीज़ा है तो किस हॉस्पिटल चे अगर फैमिली वीज़ा है तो किस तरह जरा वीज़ा लिया जा सकता है. यह तरीकाकार दसिया साढ़े प्लेटफॉर्म तो साड़ी सिस्टर ने कैनेडा तो जुड़े ने और मेरा ख्याल है बड़ी खुशी की गल है और उन्होंने यह भी गल की है कि जोड़े डंकी के जरिए बगैर वीज़े तो मुल्क दर मुल्क निकल के यूएसए जाना चाहते हैं कैनेडा जाते हैं यह सरासर गलत है और एजेंटा को बचो और उन्होंने दो नंबर तरीके जरा बाहर के मुल्कों जान चाहते हैं उस तरीके तो भी बचो और अपनी जान नू जरा सेफ करो और लीगल तरीके ना अगर तुम जाना चाह रहे हो तो जरूर इस्तेमाल करो उस पॉलिसी नू जी लीगल तरीके ना है. मेरा ख्याल साढ़े इस प्रोग्राम तो वेख के साड़ी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के जिन्हें भी लोग ने जोड़े बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं वो इन देख के जरूर एप्रीशिएट भी करेंगे और जरूर चाहेंगे कि असी लीगल तरीके किस तरह जा सकते हैं और इन्हें रबता करेंगे. फिर मिलेंगे नए टॉपिक पर. इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़.